दोस्तों रावण के बारे में आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। रावण कितना शक्तिशाली था ये तो शायद आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि रावण का शरीर आज भी सुरक्षित है? श्रीलंका सरकार ने एक दावा किया है कि रावण के शरीर को आज भी एक गुफा में सुरक्षित रखा गया है। उसकी सुरक्षा वहाँ के आदिवासी लोग करते हैं। उनके अनुसार रावण कलयुग के अंत में पुनः जीवित होगा और चारों वेदों और उपनिषदों को पुनः लिखेगा। कहा जाता है कि कलयुग के अंत में जब कलिक अवतार होगा तब उस समय के सबसे ताकतवर राक्षस कली पुरुष भी अपने भौतिक रूप में आएगा और वो रावण को पुनः जीवित करेगा। श्रीलंका की सरकार ने भारत और श्रीलंका की सम्मिलित एक टीम का गठन किया है जो रामायण काल की घटनाओं की खोज करती है। उन्हीं खोजों के दौरान रावण की मम्मी यानी संरक्षित शव से उनका सामना हुआ। वहाँ के आदिवासियों का कहना है कि उन्हें सदियों से रावण के संरक्षित शरीर होने का पता है। उनके अनुसार रावण की मृत्यु के बाद बुराई का इस धरती से अंत हो गया था और सभी खुशी मनाने लगे थे। रावण के शव पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तब नागलोक के लोग आए और रावण के शरीर को अपने साथ ले गए और वहां रावण के शरीर को जिंदा करने की पूरी कोशिश की गई। जब रावण जिंदा नहीं हुआ तो उसके शरीर को शहद और अनेक जड़ी बूटियों के साथ संरक्षित करके एक गुफा में छिपा दिया गया। श्रीलंका के घने जंगलों के बीच रंगला इलाके में एक पहाड़ है जिसकी गुफा में रावण का शव आज भी सुरक्षित है। रिसर्च टीम के अनुसार बहुत सारी कोशिश के बाद वो उस गुफा तक पहुंच गए थे क्योंकि वहां अनेकों तरह के जानवर और जहरीले सांप थे जो शायद उस गुफा की निगरानी करते आ रहे हैं। रिसर्च टीम ने बताया कि यह जगह इतनी भयानक थी कि उन्हें कभी कभी पेड़ों के बदलने का भी आभास हो रहा था और वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि रावण के शवों को मंत्रों द्वारा सुरक्षित किया गया है। बहुत मुश्किलों का सामना करके आखिरकार टीम उस गुफा तक पहुंच गई और उन्हें वहां पर 18 फुट लंबा एक पत्थर का ताबूत देखने को मिला जिसपे अनेक जड़ी बूटियों का लेप किया गया था। उस गुफा की बनावट कुछ इस प्रकार की गई थी कि अगर कोई भी वहां से एक पत्थर को भी हिलाएगा तो पूरी गुफा गिर जाएगी। इसी वजह से उस ताबूत को बाहर निकालना नामुमकिन था और रिसर्च टीम ने उसे वहीं पर छोड़ दिया। आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में रावण का शव वहां पर है या नहीं, आप कमेंट करके जरूर बताएं। और अन्य ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें।